नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में आज लेकर आई हूँ भाई दूज स्पेशल कोकोनट के रोल्स। आप अगर ये कोकोनट के रोल्स अपने भाई को बनाकर खिलाएंगे मात्र 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है। चीनी, दूध और कोकोनट के साथ ये टेस्टी से कोकोनट रोल आप अपने भैया को बनाकर खिलाइए। दूज पे टीका कीजिए उनका। ये देखिए, बिल्कुल इजी है और ये मिठाई मात्र 5 से 7 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये कोकोनट रोल्स। और अगर आपको ये पसंद आते हैं तो रेसिपी पूरी देखिएगा और इस दूज पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत टेस्टी लगते हैं और एकदम शुद्ध होते हैं। इसमें मावा वगैरह नहीं है तो ये हमें नुकसान भी नहीं करेंगे। इनको बना लेते हैं फटाफट। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि मैं ये अच्छी अच्छी इजी इजी सी रेसिपी आप सबके लिए लाती रहूं। चलिए शुरू करते हैं कोकोनट रोल बनाना। चलिए बनाना शुरू करते हैं भैया दूज के लिए टेस्टी सी मिठाई। मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ये 120 ग्राम का कप है, उससे नाप कर मैं चीनी ले रही हूँ। आप अपना मेजरमेंट रखिए, आप जिस कटोरी से चीनी नापें उसी कटोरी से आप डाल लीजिए 2 कप दूध। आप चाहें तो इसको पानी में भी बना सकते हैं, पर दूध के साथ बनाएंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी बनेगी। मैंने यहाँ पर 2 कप दूध ले लिया है और अब इसको हम चीनी घुल जाने तक अच्छे से पकाएंगे। आप इसको अच्छे से तेज आंच पर चलाते हुए चीनी को घोल लें। यहाँ पर दूध में अच्छे से बॉयल आने लगा है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने पसंद का कोई भी फूड कलर इसमें ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर 2 चुटकी डाल रही हूँ येलो फूड कलर। आप इसमें रेड, ग्रीन कोई भी मिला सकते हैं। थोड़ा सा और डाल देंगे क्योंकि अभी इसमें थोड़ा अच्छा सा कलर नहीं आया है। आप देख लें, जब अच्छा सा कलर आ जाए बस। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा सा येलो फूड कलर आ गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर नारियल की ये डिश बनाने वाली हूँ, तो ले लेते हैं हम यहाँ पर नारियल का बुरादा। ये ग्रेट किया हुआ कोकोनट है, मैंने मार्केट से मंगवाया था इसी तरह से। आप चाहें तो घर पे भी ग्रेट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर 2 कप ले रही हूँ, 1 कप चीनी, 2 कप दूध और 2 कप ये कोकोनट का बुरादा मैंने यहाँ पर लिया है। अब इसको हम लगातार अच्छे से चलाते रहेंगे और बहुत देर तक नहीं चलाना है, ये फटाफट फूल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम इसको चलाते जा रहे हैं ये गाढ़ा होता जा रहा है। और इसको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छिटकता है, तो इसको हाथ को बचाते हुए चलाएं वरना हाथ थोड़ा सा जल वल जाएगा कहीं। लीजिए, ये धीरे धीरे अभी एकदम से सूखा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको सिर्फ 6-7 मिनट तक चलाया है दूध वाली चाशनी के साथ। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारा तैयार हो गया है जो हमने नारियल तैयार किया था। और अब इसको हम रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसकी मिठाई किस तरह से बनाऊंगी। और आप इसको चाहें तो गरम गरम में इसी तरह से जमा भी सकते हैं। आप एक प्लेट में थोड़ा सा सूखा नारियल डाल दीजिए और फिर उसमें इसको आप जमा दीजिए। अभी मैं इसको थोड़ा सा मार्केट जैसा देखने के लिए, तो फिर इसको हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद हम इसके अच्छे से पीसेस बनाएंगे बिल्कुल मार्केट की तरह। यहाँ पर ये जो हमने कोकोनट से बनाया है ये बिल्कुल से इस तरह से ठंडा हो गया है, हम इसको हाथ से टच कर सकते हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। यहाँ पर ये मेरे जो नारियल के रोल बनाने वाली हूँ मैं, वो ठंडा हो गया है, इसको अब हाथ से टच कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सूखा नारियल इस तरह से बिना कलर मिलाए ही प्लेट पर फैला दिया है। और यहाँ पर ले लेंगे हम थोड़ा सा ये घी। घी को आप इस तरह से थोड़ा सा हाथों से लगा लें और उसके बाद जितना भी बड़ा रोल आपको बनाना है उतना पोर्शन आप ले लें और हाथों की सहायता से आप इसको बना लें। बहुत आसानी से और फटाफट बनकर तैयार हो जाता है।
जैसा भी आपको आकार देना हो आप इसको लड्डू की तरह भी बना सकते हैं, नारियल के लड्डू बन जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है और इसको इस तरह से ड्राई कोकोनट के ऊपर हम लपेट देंगे। लीजिए बनकर तैयार हो गई है ना बिल्कुल मार्केट जैसी मिठाई। इसी तरह से हम सारे रोल बना लेंगे।